पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह। ये मेरा प्लॉट है, 21 तारीख का लगा हुआ, और आज इसमें ये हर्बिसाइड का स्प्रे चल रहा है, पैराक्वाइट का। उसके पहले इस तरह से देखिए, पौधे को मैंने साफ़ कर दिया था मैन्युअली, और आज इसमें ये पैराक्वाइट का स्प्रे चल रहा है। और इसमें क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से देखिए, 1, 2 और 3 तीन मशीनें यहाँ पर चल रही हैं। और मशीनें चलाते वक्त हमको ध्यान ये रखना है कि जो आदमी इस साइड का है वो इस वाली बाल्टी से बाहर रहेगा, और ये वाला आदमी इस वाली बाल्टी से इधर की तरफ रहेगा। अंदर से इधर की तरफ नहीं डालना है, क्योंकि इधर खुला हुआ है, इधर से इधर की तरफ नहीं डालना है। हमेशा हमको जो हमारी तीन रो हमने जैसे बनाई है इसमें, इन तीन रो में बाहर से अंदर की तरफ डालना है। बीच वाला आदमी जो है वो बीच में चलेगा और ये पूरा एरिया कवर करके चलेगा। पहली चीज़ ये, अगर हम इधर खड़े होकर के इधर की तरफ डालेंगे तो जो इसकी बौछारें हैं वो आगे तक बगल वाली बेड में जा सकती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ये बाल्टी रखते वक्त, अगर आपकी ड्रिप है तो ड्रिप पे बाल्टी टंगी नहीं होनी चाहिए, और उठाते वक्त इसको आराम से ऐसे नीचे की तरफ गिरा करके और ऊपर उठा लेते हैं। इस तरह से अगर हम डालते हैं तो इसमें समस्या नहीं आती। हालांकि इसमें एक और बढ़िया ऑप्शन होता है पॉलीथीन बैग लगाने का, लेकिन पॉलीथीन बैग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बैन होने की वजह से प्लास्टिक बैग यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। और अगर मिल भी रहे हैं तो आप मान के चलिए कि इतने बड़े पौधे में 10 केजी का प्लास्टिक बैग लग रहा है, जिसकी कीमत आज की तारीख के ब्लैक में मिल रहा है, 5 रुपये की एक आ रहा है। तो इस तरह से बाल्टी हैं यहाँ पर, 40-45 बाल्टियाँ हैं ये देखिए, और उस तरह से ये पैराक्वाइट डाला जा रहा है। अभी 19 दिन का प्लॉट हुआ है लगभग, और ग्रोथ भी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। 3 ट्रेंचिंग इसमें हो चुकी हैं, और अब 4थी ट्रेंचिंग इसमें कल परसों होगी। और एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है कि जब हम इसके अंदर पैराक्वाइट डालते हैं, उस वक्त पर एक तो खेत में नमी होनी चाहिए, मौसम खुला होना चाहिए, धूप हो तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम इसमें, अगर ड्रिप है आपके पास तो आप इसमें पर एकड़ में 3 केजी, 2.5 से 3 केजी यूरिया और 1 केजी मैग्नीशियम सल्फेट घोल करके आप चला देते हैं, तो जो पौधे में थोड़ा 1-2 दिन के लिए जो पौधा रुकता है वो नहीं रुकेगा, और पौधे में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बाल्टी उठाने का तरीका आप भी देख सकते हैं, इस तरह से ये बाल्टी जो है ये इसका हैंडल पकड़ करके ऐसे नीचे की तरफ गिरा दिया जाता है, और तब बाल्टी को आप सीधा नहीं उठाएंगे कभी भी, बाल्टी को हमेशा इधर की तरफ नीचे गिरा झुका करके और तब उठाइए ऐसे। इससे क्या होता है कि जो आप सीधा उठाते हैं कभी कभी तो जो छिट्टी पड़ जाती हैं इस पर छिटे, वो पौधे पर गिरने का डर रहता है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि आदमी जो है वो, अगर ये तीन लो में है तो एक आदमी बीच में चलेगा और 2 आदमी बाल्टियों के रो के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ डालेंगे हमेशा। तो ये है, बाकी जब इसकी घास ये मर जाएगी तो उसका भी अपडेट मैं आपके पास भेजूंगा, और बाकी जो भी अपडेट इसमें आगे होते रहेंगे वो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार, ये कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें कि पैराक्वाइट पड़ रही थी अपने प्लॉट में, आज वही उसी प्लॉट का नेक्स्ट अपडेट के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और आप देख सकते हैं कि कल सुबह जो ये पैराक्वाइट डाली गई थी, आज उसका असर देखिए कि पूरे प्लॉट में सिर्फ केले के पौधे ही दिख रहे हैं, बाकी सारी घास जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर किसी भी केले के पौधे पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, या अगर आप देखें एक तरफ से तो पूरा पौधा उसी तरह से स्वस्थ है जैसा कि कल था। तो सभी का, हमारा सागर सर का, सभी का जो उद्देश्य है ये इस प्लॉट के अपडेट्स को डालने का, आप तक पहुंचाने का और एक मॉडल प्लॉट तैयार करने का, सिर्फ यही है कि हम जो भी प्रैक्टिसेस में हमको बदलाव की आवश्यकता है आज की तारीख में, उन बदलावों से हमको फ़ायदा होता है या नहीं होता है, और जो शंकाएं हैं उन बदलावों को किसानों के मन में कि इनको करने से हमको कोई फ़ायदा होगा या कि नहीं होगा या नुकसान होगा, उन शंकाओं को दूर करने के ही उद्देश्य से इस प्लॉट के वीडियोज़ जो हैं उनके अपडेट आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। आप इनको फॉलो करिए और देखिए
पहले समझिए, प्रैक्टिकल हम करेंगे अपने प्लॉट में और आप उनको देखिए, उनके फ़ायदे समझिए और फिर अपने खेतों में उनको अडाप्ट करिए, चाहे वो बेड की पद्धति हो, चाहे वो ड्रिप की हो, चाहे वीड्स को निकालने के लिए पैराक्वाइट का इस्तेमाल हो, कुछ भी है, जो भी है आप उनको पहले देखिए। मैं अपने खेतों में प्रैक्टिकल करता रहूँगा सागर सर के मार्गदर्शन में, पॉलन एग्रो मिनरल्स के मार्गदर्शन में, और फिर आप उसको अडॉप्ट कीजिए। आपको लगे कि हाँ कि ये सब परिवर्तन करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है, तब आप इसको अडॉप्ट कीजिए। इसी उद्देश्य से ये सीरीज़ बनाई जा रही है और इसके सारे अपडेट्स आपको पॉलन किसान चैनल जो अपना है उस पर समय समय पर मिलते रहेंगे। और आज आप जो इसका अगला अपडेट है कि देखिए कि ऐसी शंका रहती है कि इससे छोटे प्लांट में अगर हम पैराक्वाइट का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को नुकसान हो सकता है, तो मैंने कल इस्तेमाल किया है और आज आप पौधे की स्थिति को देख सकते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा पौधा जो है वो बिल्कुल उसी तरह से लश ग्रीन है और लहलहा रहा है और घास बिल्कुल समाप्त हो चुकी है लगभग, और आज दिन में तो और भी जो थोड़ा सा हरापन दिख भी रहा है हल्का फुल्का, ये भी समाप्त हो जाएगा। और कल भी मैं एक और अपडेट डालूंगा इसी प्लॉट का जब ये बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। तो निवेदन है किसान भाइयों से कि इस सीरीज़ को फॉलो करें, इनमें बताई गई बातों को समझें और उसके बाद अपने खेतों में अवश्य ही अप्लाई करें। आपको निश्चित रूप से जो है वो अपने खेती में लागत में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आपके पैदावार में, क्वालिटी में, हर चीज़ में जो है वो आपको एक बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। और निश्चित रूप से आपको जो है जो समस्याएं आती हैं हमको अपने केले की खेती में या अन्य किसी खेती में, उनसे भी आपको निजात मिलेगी। धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।